हेलो गाइस, स्वागत है आपका पीएचपी प्रोग्रामिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन mysql, mysqli एंड पीडीओ। गाइस, पीएचपी में अगर आपको डेटाबेस के साथ काम करना है तो बेसिकली आपको तीन तरह के टेक्नोलॉजीज मिलते हैं। पहली होती है mysql, सेकेंड इज mysqli एंड थर्ड इज पीडीओ। MySQL जो है वो काफ़ी पुरानी टेक्निक है। ये जब PHP लॉन्च हुआ था तो उसके साथ MySQL टेक्नोलॉजी थी डेटाबेस के साथ काम करने के लिए। और PHP के 5.4.4 वर्जन तक MySQL टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल मिलेगी। अगर आप PHP का कोई वर्जन 5.4.4 से आगे वाला इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर आपको MySQL का कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा डेटाबेस के साथ काम करने के लिए। तो बेसिकली ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई, दैट इज mysqli। यहाँ पर आई का जो फुल फॉर्म है, दैट इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ mysql। और ये 5.5.0 PHP के वर्जन से ये टेक्नोलॉजी आई है। अब जब हम mysqli यूज करते हैं डेटाबेस हैंडलिंग के लिए तो इसमें भी हमको दो तरह के टेक्नोलॉजीज मिलते हैं। एक होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस इज द मोस्ट रिसेंट टेक्निक ऑफ वर्किंग विद डेटाबेस, दैट इज पीडीओ। पीडीओ का जो फुल फॉर्म है, दैट इज पीएचपी डेटाबेस ऑब्जेक्ट। और ये जो है, ये आपको 5.7.0 और उसके अबव वर्जन में मिलेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इन तीनों का कंपैरिजन हम देखने वाले हैं। और कंपैरिजन में मैं आप लोगों को वो बेसिक मेंबर्स बताऊंगा जो कि डेटाबेस, जब भी आप किसी डेटाबेस के साथ काम करोगे विद पीएचपी तो वहां पर वो चीज़ें आपको लगेगी। और अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेते हो तो गाइज, आई टेल यू दैट कि आपको किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने में काफ़ी आसानी होगी। Even you know MySQL, how to work with MySQL, you can easily switch to MySQLi or PDO. तो इस टेबल में आप कंपेरिजन देख सकते हो। सबसे पहले जब भी हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो हम सबसे पहला काम करते हैं सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। तो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए MySQL के अंदर एक फंक्शन है, दैट इज mysql_connect, और जिसको बेसिकली तीन पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, सर्वर नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। तो इस फंक्शन से ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। यही काम अगर आपको यूजिंग mysqli प्रोसीजर ओरिएंटेड करना है तो आपको फंक्शन मिलेगा mysqli_connect। देखो, काफी सिंपल है। उसी तरह के तीन पैरामीटर आपको यहाँ पे देने हैं, सर्वर नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। एंड देर इज ऑल्सो फोर्थ ऑप्शनल पैरामीटर, दैट इज डेटाबेस नेम। अगर आप चाहे तो इसको यहां पर प्रोवाइड कर सकते हो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये जो फंक्शन है ये सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। और अगर आप फोर्थ पैरामीटर यहां पर पास करते हो तो ये सर्वर के साथ एज वेल एज डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। दैट्स वाई हम इसको कह रहे हैं इम्प्रूव्ड वर्जन। बेसिक था, उसका ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यहाँ पर ये mysqli_connect एक फंक्शन है। तो यही पर हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे यूजिंग न्यू कीवर्ड, सो न्यू mysqli। mysqli नाम की एक क्लास है, उसके कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पर वही चार पैरामीटर पास कर रहे हैं, सर्वर नेम, यूजर नेम और पासवर्ड, एंड फोर्थ वन दैट इज ऑप्शनल। बिल्कुल इसी तरह से इसको यूज करना है, सो यू कैन एस्टैब्लिश कनेक्शन विथ सर्वर। Now, why PDO is more advanced than MySQL and MySQLi? तो अगर आप MySQL या फिर MySQLi यूज करते हो तो आप बैकेंड में जो है वो सिर्फ MySQL डेटाबेस यूज कर सकते हैं। बट इफ यू वॉन्ट टू यूज डेटाबेस अदर देन MySQL, देर इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज PDO। सो विथ PDO वी कैन वर्क विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, दैट इज द मोर एडवांटेज एंड मोर पावर ऑफ PDO। तो यहां पर सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग यहां पर पास करनी है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके होस्ट का नाम क्या है, आपके डेटाबेस का नाम क्या है, एंड देन यूजर नेम एंड
password. Okay. So once connection is established with server, हम second जो task यहाँ पे perform करते हैं, that is connecting database. उसके लिए MySQL में function है MySQL underscore select underscore DB, जिसको simply आपने database name pass करना है. प्रोसीजर ओरिएंटेड में उसी नाम का फंक्शन है, बट यहां पर आपने दो पैरामीटर पास करना है, पहला कनेक्शन ऑब्जेक्ट और दूसरा डेटाबेस नेम. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सिलेक्ट डीबी नाम का फंक्शन आपको कॉल करना है यूजिंग माय एसक्यूएल आई ऑब्जेक्ट, गेटिंग? एंड हियर देयर इज नो नीड टू कनेक्ट विद डेटाबेस, क्योंकि हम शुरू में ही जब कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास कर रहे हैं तो यही पर हम डेटाबेस नेम यहां पर दे रहे हैं. ओके, तो ये पार्ट जो है वो पीडीए में स्किप हो गया. अब डेटाबेस के साथ कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो गया. नेक्स्ट हम डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. वी विल राइट क्वेरीज एंड वी विल एग्जीक्यूट देम. अ क्वेरीज लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रिट्राइव. तो इन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए MySQL के अंदर फंक्शन है MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, जिसको पैरामीटर पास करना है आपने क्वेरी, एक्चुअल क्वेरी जो भी रहेगी आपकी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. सिमिलरली MySQL आई प्रोसीजर में आपको मिलेगा MySQL आई अंडरस्कोर क्वेरी नाम का फंक्शन, और जिसको दो पैरामीटर आपने देना है, एक तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट और दूसरा आपका क्वेरी. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सिंपली आपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट से क्वेरी मेथड को कॉल करना है और आपकी क्वेरी पास करनी है, और यहां पर भी आपने सेम करना है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट से क्वेरी मेथड को कॉल करके क्वेरी पास करना. अब जब आप क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो तो ये क्वेरी अगर सिलेक्ट है तो इसका रिजल्ट जनरेट होता है, और उस रिजल्ट को आप लेफ्ट साइड में इस तरीके से डॉलर रिजल्ट या कोई भी नाम का वेरिएबल लिख के आप उसको स्टोर कर सकते हैं. ओके, सो क्वेरी ऑलवेज, सिलेक्ट क्वेरी ऑलवेज जनरेट्स अ रिजल्ट सेट, तो वो आप रिजल्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो. बट अगर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट है तो वहां पर रिजल्ट सेट जनरेट नहीं होगा. क्वेरी एग्जीक्यूशन में अगर कोई एरर आता है तो उनको किस तरीके से चेक करना है, MySQL के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है MySQL अंडरस्कोर एरर. ये जो फंक्शन है ये लास्ट एग्जीक्यूटेड क्वेरी का एरर देता है. उसी तरीके से प्रोसीजर में है MySQL आई अंडरस्कोर एरर, कौन पास करना है. यहां पर आपको एरर नाम की एक प्रॉपर्टी मिलेगी, और पीडीओ के अंदर भी आपको यहां पर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करना है विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच. आप क्वेरी जो एग्जीक्यूट हो रही है या फिर क्वेरी में जो भी एरर आ रहा है उसका आप उस एरर को आप यहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं. अगर आपकी क्वेरी सिलेक्ट है तो जैसे मैंने कहा कि उसका रिजल्ट जनरेट हो रहा है, और उस रिजल्ट को रीड करने के लिए, मीन्स रीडिंग रिजल्ट सेट, MySQL के अंदर बहुत सारे फंक्शन है. उसमें एक है MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसॉक. यहां पर मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, तो इट डजेंट मीन दैट कि इतनी ही चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है. इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे मेंबर्स अवेलेबल है, बट आई एम जस्ट कंपेयरिंग ऑल दिस टेक्नोलॉजी विथ बेसिक मेंबर्स एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेंबर्स. तो यहां पर ये जो फंक्शन है दैट इज MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसॉक. एसॉक मीन्स एसोसिएटिव एरे. तो ये जो सिलेक्ट क्वेरी है इसका जो भी रिजल्ट है उसके रिकॉर्ड को ये एज अ एसोसिएटिव एरे बोल के रिटर्न करेगा रो के अंदर, एंड फिर रो से हम उसको रीड कर सकते हैं. यहां पर फंक्शन है MySQL आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसॉक. पैरामीटर देखिए किस तरीके से पास करना है, और यहां पर जो रिजल्ट सेट आपका जनरेट हो रहा है वो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, और उसी ऑब्जेक्ट से आपने फेच एसॉक को कॉल करना है. एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो डॉलर रिजल्ट फेच और फेच ऑल, ऐसे दो फंक्शंस आपको पीडीओ के अंदर मिलेंगे जो कि आपने डॉलर रिजल्ट ऑब्जेक्ट से कॉल करने हैं, और उसके अंदर आपने कुछ इनबिल्ट कांस्टेंट इस तरीके से पास करने हैं. सो फेच अंडरस्कोर एसॉक का जो मीनिंग मैंने बताया कि रीडिंग रो एज अ एसोसिएटिव एरे, तो वही इसका यहां पर पर्पज होगा. एंड लास्ट वी विल सी काउंटिंग नंबर ऑफ रोज. गाइज, इट इज ऑलवेज गुड टू चेक कि रिजल्ट सेट के अंदर रो है या नहीं बिफोर रीडिंग इट. तो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए MySQL के अंदर एक फंक्शन है MySQL अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज. इसमें हम बेसिकली पास करते हैं रिजल्ट सेट. इंस्टेड ऑफ क्वेरी यू हैव टू राइट हियर रिजल्ट. जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आपने यहां पे लिखना है.
सिलेक्ट क्वेरी का आउटपुट, तो उस रिजल्ट के अंदर अगर रो अवेलेबल होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. एंड हाउ मेनी रोज आर देयर दैट विल बी रिटर्न इनसाइड काउंट. तो यहां पर mysqli underscore num underscore rows है और यहां पर डॉलर रिजल्ट का num underscore rows नाम का प्रॉपर्टी है और यहां पर रो काउंट नाम का मेथड है जो कि आपने इस ऑब्जेक्ट से कॉल करना है. तो ये सिक्स ऑपरेशंस जो आप जब कभी किसी भी पीएचपी के पेज के थ्रू या फिर आप किसी भी आपके डायनेमिक वेबसाइट के थ्रू डेटाबेस को जब एक्सेस करोगे तो आप ये छह तो बेसिक ऑपरेशन उसके अंदर होते ही है. तो ये हो गया कुछ कंपैरिजन mysql, mysqli और पीडीओ के बीच में. गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सके. और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.